नमस्कार, स्वागत है आपको और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। मैं हूं आपके साथ सोनाली तोमर। तो चलिए रुक कर लेते हैं 25 बड़ी खबरों का। पश्चिम बंगाल के पूर्व राज्यपाल जगदीप धनखड़ आज भारत के उपराष्ट्रपति पद की शपथ लेंगे। इससे पहले जगदीप धनखड़ ने उपराष्ट्रपति चुनाव में विपक्ष के उम्मीदवार मार्गरेट अल्वा का हराया था। इस मौके पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू नवनिर्वाचित उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाएंगे। जगदीप धनखड़ के शपथ समारोह में राष्ट्रपति भवन के मानदंडों के मुताबिक कोरोना प्रोटोकॉल का पालन किया जाएगा। धनखड़ ने एनडीए के उम्मीदवार के तौर पर उपराष्ट्रपति चुनाव कराया। स्वतंत्रता दिवस से पहले जम्मू कश्मीर के परगल में हमले साजिश नाकाम हो गई है, जहां कुछ आतंकियों ने आर्मी कैंप में घुसने की कोशिश की। बता दें कि राजौरी से परगल कैंप 25 किलोमीटर की दूरी पर है। दरअसल आर्मी कैंप में आतंकियों ने आत्मघाती हमला किया था। इस दौरान दो आतंकी ढेर हो गए। शिवराज कैबिनेट के बैठक में लिए गए अहम फैसले। सीएम बाल आशीर्वाद योजना को मिली मंजूरी। महिला सशक्तिकरण के लिए स्थापित होगा नारी सम्मान कोष। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने तिरंगा रैली का किया शुभारंभ। पॉलिटेक्निक चौराहे से शहीद स्मारक तक बाइक रैली निकाली गई। बुधवार को भोपाल में सीएम शिवराज ने मॉडल स्कूल में बच्चों की क्लास ली। इस दौरान बच्चों को उन्होंने तिरंगा के इतिहास के संबंध में जानकारी दी। सीएम भूपेश ने बीजेपी पर बोला हमला। कहा बीजेपी में सब कुछ ठीक नहीं है, बीजेपी में अंतर कलह चल रही है। सीएम भूपेश बोले अंतर कलह को लेकर बीजेपी में किया जा रहे बदलाव, आगे भी बीजेपी में बहुत से परिवर्तन देखने को मिले। मध्य प्रदेश के राज्यपाल मंगूबाई पटेल ने तिरंगा यात्रा को गवर्नर हाउस से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। ये यात्रा अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी विश्वविद्यालय से निकाली गई। शमशाबाद नगर परिषद के अध्यक्ष चुनाव में बीजेपी की भारती प्रदीप माहेश्वरी को निर्विरोध चुन लिया गया है। जानकारी के मुताबिक दूसरा कोई नामांकन नहीं हुआ था। जबलपुर अग्निकांड के बाद खुली शासन की नींद। एमपी में जल्द आएगा नया अग्निशमन एक्ट। छत्तीसगढ़ में कोरोना के 298 नए मामले सामने आए हैं। दो मरीजों की हुई मौत। प्रदेश भर में पॉजिटिव दर 3.09। सत्तर साल बाद देश में चीतों की वापसी हो रही है। एमपी में अफ्रीकी देश नामीबिया से 8 चीते लाए जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि नामीबिया भारत को 8 चीते फ्री में देने का वादा किया। खास बात यह है कि चीते देश के दिल मध्य प्रदेश के शिवपुर स्थित कुनो पार्क में रखे जाएंगे। खड़गपुर में बारिश के चलते पुल में पानी भर गया है, जिसके बाद लोग जान जोखिम में डालकर पुल पार करते हुए नजर आए। धमतरी में गंगरेल बांध से 98% जलभराव के बाद 4 गेटों से 50,000 क्यूसेक पानी छोड़ा जा रहा है। बाजार में लगातार बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त। जगह जगह पानी भरने से लोग भारी परेशानी हो रही है। पुराने नगर पालिका के पास एक जर्जर मकान धराशायी हुआ। देवरी महाराष्ट्र पुलिस ने चेकिंग के दौरान राजनांदगांव में 3 व्यापारियों के पास से 1,40,00,000 की नकदी पकड़ी। मशहूर कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव की हालत काफी नाजुक है। जानकारी के मुताबिक उन्हें एम्स में वेंटिलेटर सपोर्ट पर रखा गया है। हालत गंभीर होने पर उन्हें इमरजेंसी मेडिकल डिपार्टमेंट में डॉक्टरों की निगरानी में रखा गया है। राजू श्रीवास्तव को ट्रेडमिल पर दौड़ते वक्त हार्ट अटैक आया था। सीने में दर्द अचानक उठा और आनंद फानंद ने उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया। अस्पताल से मिली जानकारी के मुताबिक राजू श्रीवास्तव की एंजियोग्राफी की गई है, जिसमें एक बड़े हिस्से में 100% ब्लॉक मिला है।
एमपी के कई जिलों में बारिश का दौर लगातार जारी है। भोपाल में भारी बारिश से निचले इलाकों में पानी भर गया है। उफान पर नदी नाले कई रास्ते बंद। देश भर में भाई बहन के त्योहार पर रक्षाबंधन की धूम। भाई की कलाई पर राखी बांधकर बहनें मांग रही हैं लंबी उम्र की कामना।